हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने की खिचड़ी, व्रत स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी। यहाँ पे मैं कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि जो आपकी साबूदाने की खिचड़ी बनती है, जो कि बहुत खिली खिली बनने वाली है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि साबूदाने को कि हम उसको सोक कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि हमें ये बड़े साइज वाला साबूदाना लेना है। छोटे साइज वाला जो साबूदाना आता है वो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जो छोटे साइज वाला साबूदाना आता है होता है वो खीर बनाने में ज्यादातर यूज किया जाता है। तो इसको सोक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने साबूदाने को 2 से 3 बार इसको धुलना है। हाँ, 2 से 3 या तो आप 4 बार भी इसको वॉश कर सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसको 4 से 5 घंटे तक के लिए सोक करना है, और पानी इसमें बहुत थोड़ा, यानी 1/4 हम इसमें पानी यूज़ करेंगे। ये साबुदाने के ऊपर तक, बहुत ही हल्के ऊपर तक यहाँ पे पानी आना चाहिए, और हम इसको यहाँ, मैंने इसको ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रख दिया है। सेकेंड प्रोसेस में हम चलते हैं मूंगफलियों को भुनने के प्रोसेस में। मूंगफलियों को आप हल्के आंच में भुने, और मूंगफलियों को मैंने यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक मूंगफलियों को हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे, और दूसरी मूंगफली को हम ऐसे ही यूज करने वाले हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे ये जो साबुदाना है बहुत ही खिला खिला अच्छे तरीके से फूल चुका है। आप यहाँ देख सकते हो कि सारे साबुदाने अलग अलग दिख रहे हैं। इस टाइम पे आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है। एक अलग से पैन लेंगे। पैन में यहाँ पे घी मैंने यूज किया, क्योंकि ये व्रत का बनने वाला है इसलिए मैंने यहाँ घी यूज किया है। इसमें बॉयल डालू, यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम बॉयल आलू को एकदम रेड होने तक, यानी सुनहरा होने तक भुनेंगे। ये जरूर ध्यान रखें कि जो आलू है आपका वो ठंडा होना चाहिए, यानी एकदम गरम गरम। अगर आलू अगर आप यूज करेंगे तो वो अच्छे तरीके से भुन नहीं पाएंगे। आलू भुनने के बाद हम इसमें, इसी सेम पैन में हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, करी पत्ता डालेंगे, और इस टाइम पे आप चाहे तो यहाँ पे सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, और हरी मिर्च इसी टाइम पे आप इसमें ही डाल दीजिए। रोस्टेड जो पीनट्स थे हमारे, जिसका छिलका नहीं उतरा हुआ था, वो यहाँ पे आप डालेंगे। वैसे तो हमारे ये भुना हुआ था, बट एक हल्का सी क्रंचीनेस लाने के लिए इस टाइम पे मैंने ये पीनट्स डाल दिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च, और उसके बाद सोक किया हुआ जो साबुदाना है इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे, और जो पीनट पाउडर जो हम लोगों ने बहुत हल्का दरदरा बनाया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और फ्राइड किए हुए आलू को भी इसी टाइम डाल देंगे, और सबको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, जिसमें एक हल्का सा खट्टे वाला फ्लेवर भी आ जाएगा। ये करने के बाद लगभग 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे हम इसको ढक के रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ साबुदाने जो हैं वो ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। यही साबुदाने के पकने की निशानी है। अब हमारा ये साबुदाना बन करके अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। लास्ट में ऐड हम करेंगे इसमें हरा धनिया। हरे धनिया के लिए मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप हरे धनिया को चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए आपका धनिया वो सूखे ना, सड़े ना, तो इसमें आप हरे धनिया की पत्तियों को अच्छे तरीके से धुल करके, सुखा करके, किसी स्टील के डब्बे में रख के, तो ये आपका हरा धनिया बहुत ही लॉन्ग टाइम तक के लिए चलेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे धनिया को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, और इसके बाद आप गरम गरम इसको सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो साबुदाना है कितने खिले खिले और स्वादिष्ट बने हैं। साबुदाने सब अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही ब्यूटीफुल रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।